हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसका मैंने लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मेन फ्रेम उसके सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे बड़े कंप्यूटर माने जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की आप बात करेंगे तो जैसे सबसे पहले बात आती है कि इनका जो साइज होता है, ठीक है, वो सुपर कंप्यूटर से लेस होता है, ठीक है, इससे सुपर कंप्यूटर से छोटा, और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि इनका, जैसे अगर आप कहें कि अप्रोक्सीमेटली साइज कितना होता होगा, ठीक है, तो इनका जो साइज होता है ये करीब करीब, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आप कर सकते हैं, करीब 100 स्क्वायर फिट जगह घेरता है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है। तो इसका साइज इतना होता है, ठीक है, और इस पे एक बार में एट ए टाइम, यू कैन से एट ए टाइम, करीब 100 लोग, 100 पर्सन कैन वर्क, यानी एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, यानी एक ही कंप्यूटर से 100 टर्मिनल निकले रहते हैं। और आसान ढंग से आप ये समझ सकते हैं कि एक ही कंप्यूटर से 100 कीबोर्ड और आपका मॉनिटर और कीबोर्ड कनेक्टेड रहते हैं, और 100 लोग बैठ के अपना काम करते रहते हैं, और जिसका जो काम रहता है वो कंप्यूटर जो है, क्योंकि इसकी पावर इतनी होती है कि 1 सेकेंड के अंदर ये हजारों लाखों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो सबको लगता है कि भाई हमारे पास अपना कंप्यूटर है, अपना काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बॉडी जो है, कोई भी आदमी इतना तेजी से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता जिस स्पीड से ये कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है, ठीक। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, इनका जो ये जो साइज जो था, वो मैंने बोला ना अप्रोक्सीमेट 100 स्क्वायर फीट की जगह ले सकता है, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम को जो है, दे मे बी कॉल्ड द प्रेडिसर्स ऑफ द सर्वर्स बिकॉज दे कुड एक्चुअली सपोर्ट मल्टी यूजर्स। मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे सपोज कीजिए एक कंप्यूटर है, ये अपना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये हम लोग वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, ये मान लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब इससे क्या हुआ, इससे जो है ये कनेक्शंस निकले हुए हैं, अब लोग अपना यहाँ पे कनेक्टेड बैठे हुए अपना कीबोर्ड और मॉनिटर लेके, कीबोर्ड और मॉनिटर ऐसे ऐसे इस तरह अलग अलग जो है ये लोग कनेक्टेड है, समझ रहे हैं आप बात को, और सब अपना बैठ के काम कर रहे हैं, और एक साथ करीब 100 लोग काम कर सकते हैं, और सबका इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता रहता है, ठीक है। तो ये काम होता है इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसके बाद क्या है कि इसकी जो हमने बताई दी आपको जगह इतनी घेरता है, इसकी जो कॉस्ट होती है, ठीक है, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स, कोई एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं दी जा सकती है, लेकिन इस ये बहुत कॉस्टली होते हैं, और इनकी कॉस्ट आप ये समझ लीजिए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, इनकी कॉस्ट जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, यूएस डॉलर्स में इतनी होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इनका जो मेन पर्पस होता है, जैसे कल हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर के लिए बात किया था, ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये भी कोई डेली यूज के लिए नहीं बने होते हैं, ये भी बहुत स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, और पर्टिकुलर हैवी कैलकुलेशंस के लिए बने होते हैं। जैसे पहला आप इस पे लिख सकते हैं कि पहला हो गया आपका पर्पस ऑफ रिसर्च, हो गया इंजीनियरिंग वर्क, जैसे पहला हो गया आपका रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है, रिसर्च वर्क। दूसरा आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग वर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं मेट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के लिए, मेट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, इन सब सारे पर्पस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। और हो गया आपका जैसे ग्राफिक्स के जो वर्क होते हैं, आपके ग्राफिक डिजाइनिंग एटसेट्रा के, ग्राफिक्स के, ठीक, इन सब पर्पस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं।
ठीक है। और जनरली जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, वो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है किसी भी कंप्यूटर का, अभी जब हम लोग आगे कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आप समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। अभी मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता है। जैसे कोई भी आपका फोर व्हीलर है, कार है, बगैर पेट्रोल या बगैर डीजल के वो नहीं चल सकती है। बाकी डिटेल में इसको, टेक्निकल एस्पेक्ट में इसको कमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जनरली, जैसे आपका यूनिक्स है, ठीक, लिनक्स है, और आपका हो गया IBM OS2 है, ठीक है, IBM OS 390 हो गया, ठीक, आपका मर्ज MVS मल्टी वर्चुअल सिस्टम हो गया, ठीक है, VM है और VSE है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे यूज किए जाते हैं। क्लियर? और मेन फ्रेम कंप्यूटर को बनाने वाली जो कंपनीज हैं, जनरली देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो 1950 से मैन्युफैक्चर हो रहा है, दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड सिंस 1950, 1950 से। और कौन सी कंपनियां, वही जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एक तो हो गया आपका IBM, दूसरा हम लोगों ने कल प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्या था, CDC, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, CDC, ठीक है, यही कंपनियां जो है बेसिकली। और आपका जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, NCR हो गया, ठीक है, हनीवेल हो गया, जनरल, ये सब बड़ी कंपनीज हैं, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल, ठीक, और है आपका NCR, यूनिवेक, ठीक है, NCR, यूनिवेक, और आप लिख सकते हैं RC, और आप लिख सकते हैं बूरो, BUROUGH, ये सारी कंपनीज हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाती हैं। तो अब इसके जो, अच्छा, कुछ मॉडल्स इसके तो आप जैसे लिख सकते हैं, IBM का है तो IBM का आप लिख सकते हैं IBM 481, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। CDC का, तो CDC का मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है CDC 6600, ये आपका मॉडल का नंबर है। फिर ICL 2900, ठीक है, फिर है ICL 2900, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फिर नेक्स्ट है आपका साइबर 170, साइबर 170, तो ये कुछ मॉडल्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है मेन फ्रेम कंप्यूटर के, वो जनरली इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो तीन फीचर होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, कि पहला है आपका, आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक, पहला फीचर है कि मेन फ्रेम प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम इनपुट आउटपुट कनेक्टिविटी एज दे एकोमोडेट ह्यूज डिस्क फार्म्स। यानी सीधा सीधा आप ये समझ सकते हो कि मैक्सिमम इनपुट आउटपुट कनेक्टिविटी अलाउ करते हैं, मतलब ज्यादा लोग इस पे एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ, मैक्सिमम
इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या चीज होती है ये भी कमिंग वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मोटा मोटा आपको ये बता देते हैं कि जब भी कोई मशीन काम करती है या कोई भी सिग्नल काम करता है भाई, अल्टीमेटली जो भी आप इनपुट देते हैं आउटपुट देते हैं सारी चीजें हैं वो अल्टीमेटली अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही कन्वर्ट होता है। हर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एक फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक, और तो किस फ्रिक्वेंसी से किस फ्रिक्वेंसी तक काम होना है वो उसका बैंडविड्थ कहलाता है। क्लियर? जैसे हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ये सारी चीजें बैंडविड्थ पे ही काम करती हैं कि भाई इस कंपनी के लिए ये बैंडविड्थ अलॉटेड है, इस कंपनी के लिए ये बैंडविड्थ अलॉटेड है, और जो बैंडविड्थ अलॉटेड है, जो ग्रुप ऑफ, आप अभी इसको आसान लहजे में समझ सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये टेक्निकली नहीं लेकिन आप सिंपल लहजे में समझ सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसीज, या बंडल ऑफ फ्रिक्वेंसीज, बंडल ऑफ फ्रिक्वेंसीज, इसको आप कह सकते हैं बैंडविड्थ। तो जैसे मोबाइल कंपनी का हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि जैसे किसी मोबाइल कंपनी को मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई मोबाइल कंपनी एक्स है, उसको यूपी ईस्ट के लिए सपोज कीजिए बैंडविड्थ अलॉटेड है इतना से इतना, तो उसके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी के बीच में ही जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको इस्तेमाल कर पाएंगे। ये चीज होती है बैंडविड्थ। इसको और डिटेल में आगे जब हम लोग टेक्निकल लेक्चर्स लेंगे इस पे कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन पे तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो तीसरा फीचर तो हो गया इसका मैक्सिमम बैंडविड्थ, और दूसरा तीसरा है आपका, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि मेन फ्रेम सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड वेरी गुड सिंगल थ्रेड ऑपरेशंस, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मल्टीपल ऑपरेशंस के अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड सिंगल, मतलब एक काम, अगर आप सिंगल थ्रेड ऑपरेशन, तो ये आपका तीन इंपॉर्टेंट फीचर हो गए मेन फ्रेम कंप्यूटर के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो कमेंट लाइन में आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।